स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 29 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, बीसीसीआई ने हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर है दोस्तों ए 4। बीसीसीआई ने हाल ही में 4 खिलाड़ियों मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में किस कार निर्माता कंपनी ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला किया है? ए टोयोटा इंडिया, बी टाटा मोटर्स, सी मारुति सुजुकी इंडिया और डी रेनॉल्ट इंडिया। इसका सही आंसर है सी मारुति सुजुकी इंडिया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, ओडिशा में किस चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई? ए कल्पना, बी रुद्रा, सी राशि और डी फानी। तो सही आंसर है दोस्तों इसका डी फानी। मौसम विभाग के अनुसार तूफान फानी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में तेज होता जा रहा है और अगले 24 घंटे में इसके अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इस तूफान के चलते तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा के चौथे चरण में चुनावों में सबसे अधिक किस राज्य की सीटों पर मतदान किया जा रहा है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। 17वीं लोकसभा के चौथे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल 2019 को शुरू हो गया। इस चरण में 72 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, वो कंपनी जिसने हाल ही में FC5 आलू उगाने पर बिना मंजूरी लिए इस किस्म के आलू उगाने वाले किसानों पर केस दर्ज कराया? ए ब्रिटानिया, बी पेप्सिको, सी नेस्ले और डी KFC। इसका सही आंसर है बी पेप्सिको। पेप्सिको का कहना है कि बिना इजाजत लिए किसान FC5 किस्म के आलू की खेती नहीं कर सकते। कंपनी ने इस किस्म के आलू की बिना इजाजत बुआई करने वाले किसानों पर भारत में केस दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद निम्न में से किस प्रकार के कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ए बुर्का, बी साड़ी, सी कुर्ता पजामा और डी ऊनी शॉल। इसका सही आंसर है ए बुर्का। श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद बुर्का जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने लिया है। उन्होंने साथ ही सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्विटर पर भी दी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलर विनेश फोगाट और किस रेसलर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है? ए सुशील कुमार, बी महाबली शेरा, सी बजरंग पुनिया और डी सत्येंद्र डागर। इसका सही आंसर है दोस्तों सी बजरंग पुनिया। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश की क्लेयर पोलोसोक पुरुषों में अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है? ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक पुरुषों में अंतरराष्ट्रीय वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI
महात्मा गांधी सीरीज के कितने रुपए के नोट को जल्द जारी करने की घोषणा की है? ए 20 रुपए, बी 10 रुपए, सी 30 रुपए और डी 50 रुपए। इसका सही आंसर है ए 20 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट को जल्द ही जारी करने का ऐलान किया है। RBI ने नोटिफिकेशन जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देश ने भारत को बौद्धिक संपदा यानी कि IP अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिनकी वे इस मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका और डी नेपाल। इसका सही आंसर है सी अमेरिका। अमेरिका ने भारत को बौद्धिक संपदा यानी कि IP अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिनकी वे इस मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा। दोस्तों, ये था 29 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर।